नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर शोरगुल तेज हो गया है। अब तक आई जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग अगस्त महीने से चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर सकता है। ऐसे में अब पोलिंग बूथ बनाने को लेकर दो नई जानकारी सामने आई है, जिसके तहत पहली जानकारी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मुखिया के वर्तमान घर से 100 मीटर बाद ही पोलिंग बूथ का निर्माण करने का आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर 5 जुलाई तक सारी जानकारी मांगी गई है। साथ ही ईवीएम को ठीक करने का निर्देश भी राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही नए सरकारी भवनों में बूथ बनाने का निर्देश जारी किया गया है। ज्ञात हो 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक भी बुलाई थी, जिसमें अगले महीने यानी कि अगस्त में पहले चरण के चुनाव आयोजित होने की संभावना जताई गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इसके साथ ही अगर हम दूसरे बड़े अपडेट की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में 30 अलग-अलग राज्यों से आने वाले ईवीएम की मॉनिटरिंग कराने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ऐप की मदद लेने की बात कही है। साथ ही आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम मंगाने के लिए टीम का गठन करने का निर्देश जारी किया है। यही नहीं, बकायदा ईवीएम प्रबंधन योजना के तहत काम करने का निर्देश भी दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 7 जुलाई तक हर हाल में ईवीएम भंडारण और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश है। इसके साथ ही आयोग ने जिलों से ईवीएम मंगाने के लिए जाने वाली टीम में शामिल मजिस्ट्रेट से पुलिस दल की पूरी सूची मांगी है। इसको लेकर आयोग ने निर्देश दिया है कि मुहैया करवाए गए ऐप के जरिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से मॉनिटरिंग का काम सुनिश्चित करवाए। इसको लेकर सभी अधिकारी ईवीएम प्रबंधन योजना के तहत काम करें, जिसके बाद अब जल्द ही सभी जिलों से आने वाले कुछ दिनों में टीम अलग अलग राज्यों के लिए रवाना होने वाले हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की यह कोशिश है कि ईवीएम मंगाने का पूरा काम 15 जुलाई तक पूरा किया जाए। एक बार ईवीएम के विभिन्न जिलों में पहुंच जाने के बाद जुलाई के दूसरे पखवाड़े में फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम शुरू होने वाला है। इस बाबत इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति का काम भी शुरू होने वाला है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया है। मतदान के पूर्व संबंधित कंपनियों के इंजीनियर द्वारा ईवीएम की फर्स्ट लेवल की चेकिंग की जाएगी। मतदान के पूर्व राज्य को आवंटित किए गए एक एक ईवीएम की जांच करने के बाद जिलों को सौंप दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलों को इसकी सूची जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा ईवीएम मंगाने के बाद उसकी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को इंजीनियरों द्वारा फिट किया जाएगा। आपको बता दें, इस बार जहां एक तरफ पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंच और सरपंच चुनाव के लिए अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।